हम दिल्ली के स्वर्ग यानी अक्षरधाम में पधार चुके हैं। हेलो गाइस, मैं नितिन फिर से एक नया वीडियो लेके और हम लोग आ गए हैं आज दिल्ली। तो हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग यहाँ पे दिल्ली के अक्षरधाम के हल्दीराम रेस्टोरेंट में खड़े हुए हैं अभी, जो कि हमारा एक फ्रेंड है आ गया है। ये यश मेरा फ्रेंड जो कि मेरे मोहल्ले में रहता है, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। ये है राम, आप राम के बारे में तो जानते ही होंगे और नहीं जानते तो अब वीडियो में बने रहिए, राम के बारे में भी आप जान जाएंगे। और यश यहाँ से जा रहा है उत्तराखंड की ओर, उत्तराखंड ये केदारनाथ जा रहा है, यहाँ से ऋषिकेश के लिए बस पकड़ेगा। तो आई एस बी टी जा रहे हो पहले? ये भाई अभी आई एस बी टी कश्मीरी गेट जा रहा है, वो यहाँ तक इसका साथ था हम लोगों के साथ, तो यहाँ से ये जा रहा है केदारनाथ की ओर। जय भोले, जय गाइस। भाई मिलते हैं फिर। अक्षरधाम के प्रवेश द्वार पे तो हम आ चुके हैं, धूप बहुत तेज है यहाँ पे। शराब आदि किसी भी प्रकार की नशीली चीजें और किसी भी प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थ ले जाना सख्त मना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा जांच अनिवार्य है, कृपया सुरक्षा कर्मियों को सहयोग दें। सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध है कि अक्षरधाम में अंदर जाने के लिए हमें तो मोबाइल ले जाने नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूरे पूर्ण बजे थे यहाँ पे मोबाइल ले जाना। अब देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है आपका? दक्ष। आपका? आपका? अक्षरधाम डेली पानी पी के जाया जाए। पहले पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। टेम्परेचर कम से कम नहीं होगा तो 41 से 43 के बीच में है टेम्परेचर। दिल्ली का स्वर्ग यानी अक्षरधाम। अक्षरधाम मंदिर को गुलाबी सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में स्टील, लोहे, कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मंदिर को बनाने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा था। श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व में इस मंदिर को बनाया गया। 11,000 कारीगरों की मदद से इस मंदिर को बनाया गया। ये मंदिर करीब 100 एकड़ की भूमि के दायरे में फैला हुआ है। पूरे मंदिर को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर में उच्च संरचना के 234 नक्काशीदार खंभे, 20 शिखर होने के साथ 20,000 मूर्तियां भी शामिल हैं। मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। लगेज रखने की बहुत ही घटिया व्यवस्था है यहाँ पे। चलिए इधर से तो हो लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। अक्षरधाम तो हमने घूम लिया, अंदर जो मेन मंदिर है वहाँ हमको ले जाने तो नहीं मिला कैमरा बिल्कुल भी, और थोड़ी सी सर्विसेज ख़राब थी। ये देखिए, जैसे कि ये है मंदिर की प्रांगण में, ये मंदिर प्रांगण, और अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये एंट्रेंस था जहाँ तक गए थे। चलिए चलते हैं।